बदायूं की थाना अलापुर पुलिस ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें पंजाब प्रांत में बनी 87 पेटियों में 775 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने ट्रक को सीज कर दिया है। दरअसल अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना अलापुर पुलिस आबकारी विभाग के अधिकारी और SOG वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने एक ट्रक में अवैध रूप से शराब लाने की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने बदायूं से शाहजहांपुर जाने वाले मार्ग पर अलापुर में ककराला तिराहे पर एक ट्रक को रोका। इस बीच चालक ट्रक से उतरकर भाग गया। वहीं जब पुलिस ने ट्रक खोलकर तलाशी ली तो उसमें शराब का जखीरा मिला, जो कि पंजाब में बनी हुई थी। शराब की पेटी और बोतलों पर सेल फॉर चंडीगढ़ लिखा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को सीज करते हुए शराब कब्जे में ले ली। साथ ही ट्रक के चेसिस नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं SSP ने शराब बरामद करने वाली टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र अलापुर में आज दिनांक 19/6/2022 को दोपहर 1:30 बजे लगभग ककराला रोड पर SOG टीम, अलापुर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया। इसमें ट्रक ड्राइवर द्वारा ट्रक छोड़कर भाग गया और ट्रक को चेक किया गया तो उस पर 87 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख बताई जा रही है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रक में एक कैविटी स्पेशली बनाई गई थी, जिस पर ये लोग शराब को पैक करते थे। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ट्रक में ट्रक ड्राइवर का आधार कार्ड बरामद हुआ है, बाकी इंजन नंबर चेसिस नंबर के आधार पर उसकी उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो टीम जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।